जरा सोचो, तुम्हारी जान पहचान में वो सबसे कमजोर लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर कुंफू योद्धा बन जाए। कहानी की शुरुआत में हम निक नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जिसे उसके गांव के बाकी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। निक के पास उनसे बचकर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर वो सब अक्सर उसका पीछा करते हुए उसे पत्थर मारा करते। और ऐसे ही जब एक दिन निक उन सबसे बचकर भाग रहा था, तो उसकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो कुंफू सीख रहे थे। निक भी तुरंत ही उनके मास्टर के पास पहुंच गया और कहा कि वो ही लड़ना सीखना चाहता है, ताकि वो भी किसी से डरकर भागने की बजाय अपनी रक्षा खुद कर सके। लेकिन वो मास्टर उसके साफ इरादों के बावजूद भी उसे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकता था, क्योंकि उसके गांव में बच्चों को मार्शल आर्ट सीखना मना था। पर तभी निक के पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने निक को तुरंत ही वहां से चलने को कहा, जिसके बाद वो उसे एक साधु के पास लेकर गए। असल में उसके पिता किसी भी हाल में निक को मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से लड़ना सीखने के बाद लोग ठग बन जाते हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि वो साधु निक को ये बात समझाए, पर उसके पिता की मदद करने के बजाय उस साधु ने तो निक को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत दे दी, क्योंकि साधु जान गया था कि निक ये सब खुद को बचाने के लिए कर रहा था। अगले दिन एक बार फिर उन लड़कों ने निक को परेशान करना शुरू कर दिया। उन लड़कों में चर्ड नाम का एक लड़का भी था, जिसके पिता गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उन सभी से परेशान होकर निक ने खुद ही अकेले में कुंफू सीखना शुरू कर दिया। उसके अंदर चीजों को बहुत जल्दी सीखने की काबिलियत थी, इसीलिए वो सिर्फ एक दिन की मेहनत में इतना कुंफू सीख गया कि सभी लड़कों को पीट दिया। पर उस दिन के बाद से निक लगातार खुद को सुधारने में लगा रहा। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो गया, तो एक दिन चर्ड और उसके साथियों ने एक बार फिर से निक पर हमला कर दिया, क्योंकि वो सब कुछ साल पहले हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। पर अपने साथ पूरी फौज लाने के बावजूद भी निक ने उन सभी को जंगल में ले जाकर बुरी तरह पीट दिया। जब घर जाकर चर्ड ने ये बात अपने पिता को बताई, तो उसके पिता ने कहा कि हाँ, तो उस पे हमला क्यों किया था तुमने? असल में अब निक को अपनी जबरदस्त कुंफू काबिलियत की वजह से आसपास के गांव के फाइटर्स से लड़ने के लिए पैसे मिलते थे, और इन्हीं लड़ाइयों में चर्ड के पिता भी निक पर पैसा लगाकर काफी पैसा कमाते थे। इसीलिए उन्होंने चर्ड को निक से दूर रहने के लिए कहा। पूरे गांव में निक को एक खतरनाक फाइटर के साथ साथ पैसे बनाने की मशीन भी कहा जाता। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब निक की लड़ाई खारू नाम के एक फाइटर से हुई। उस लड़ाई के दौरान खारू ने निक को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिस बीच वो बेहोश होकर नदी में गिर गया। लेकिन उसके मतलबी गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर चले गए। पर थोड़ी देर बाद एक शराबी ने निक को खींच कर नदी से बाहर निकाला, और जैसे ही उसे होश आया, तो उसने सबसे पहले अपने मास्टर और साथियों के बारे में पूछा, जिस पर उस आदमी ने उसे समझाया कि दरअसल उसके हारने की वजह से उनके पैसे डूब गए, इसीलिए वो लोग उसे गुस्से में यहीं पर छोड़कर चले गए। ये सुनकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद उस आदमी ने निक को जगह जगह जाकर अलग अलग कुंफू स्टाइल सीखने का सुझाव दिया, क्योंकि उसके मुताबिक उनके गांव में जो तकनीक सिखाई जाती थी वो काफी कमजोर थी, और इस तकनीक से तो वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। निक ने उस आदमी की बात समझी और फिर वो अपने सफर पर निकल गया। कुछ देर तक चलने के बाद वो एक कुंफू स्कूल में पहुंचा और उसने तुरंत ही सीखना शुरू कर दिया। और जब उस स्कूल के टीचर की नजर निक पर पड़ी, तो उन्होंने उससे वहां आने की वजह पूछी, जिस पर निक ने उन्हें बताया कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग कुंफू स्टाइल्स को सीखना चाहता है। उसका ये जवाब मास्टर को बहुत पसंद आया, और उन्होंने निक को वहां सीखने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों तक वहां मेहनत करने के बाद निक वहां के अच्छे से अच्छे फाइटर्स को हराने लगा। उसकी काबिलियत देखकर मास्टर बहुत ज्यादा खुश हुआ, और इसीलिए उन्होंने निक को एक खास टेक्निक सिखाई, जिसकी मदद से वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था। एक दिन जब चर्ड का एक आदमी बाजार से सामान खरीद रहा था, तो उसकी नजर पास ही में प्रैक्टिस कर रहे निक पर पड़ी, और वो तुरंत ही ये खबर लेकर चर्ड के पास पहुंच गया, जिसके बाद अगले दिन चर्ड अपने साथियों के साथ उस स्कूल पर हमला करने पहुंच गया। उसने मास्टर को धमकी देते हुए कहा कि निक को उसके हवाले कर दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके पूरे स्कूल को आग लगा देगा। उसकी ये धमकी सुनकर मास्टर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो फिर भी चर्ड से बहुत आराम से बात कर रहे थे। पर तभी चर्ड के एक आदमी ने मास्टर की बेटी को उठाकर ले जाने की बात कही, लेकिन इससे पहले बात ज्यादा बिगड़ जाती, निक ने खुद ही वहां आकर खुद को चर्ड और उसके आदमियों के हवाले कर दिया। चर्ड निक के हाथ बांध कर उसे घसीट कर वहां से ले जाना चाहता था, पर उसी वक्त उसके आदमियों ने गांव वालों के घर जलाने शुरू कर दिए। ये देखकर निक खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत ही खुद को आजाद कर दिया। उसने चर्ड के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह पीटा और फिर गांव वालों की मदद करने पहुंच गया। उधर चर्ड के पास अब हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था,
इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भाग गया। इस सब से निक समझ गया कि अगर वो ज्यादा दिन तक उस स्कूल में रहेगा तो उन सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए उसने वहां से निकलकर कहीं और जाने का फैसला किया। उधर चर्ड के पिता उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो निक को वापस लाने में नाकामयाब हो गया था। निक के बाकी फाइटर्स से ना लड़ने की वजह से चर्ड के पिता अब उस पर सट्टा नहीं लगा पा रहे थे। अपने पिता से डांट खाने के बाद चर्ड और उसके आदमियों ने उन सभी गांव वालों को मारने का फैसला किया जिन्होंने भी निक की भागने में मदद की थी। उधर जब निक जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसकी मुलाकात बुंकट नाम के एक आदमी से हुई जो उसके साथ मिलकर कुंफू सीखना चाहता था। अगले दिन निक और बुंकट एक गांव में पहुंचे जहां रात को एक शो होने वाला था। बुंकट तुरंत ही वहां की मैनेजर लिंग लिंग से काम मांगने के लिए पहुंचा, जिसके बाद लिंग लिंग उन दोनों को अपने पिता के पास लेकर गई, जिन्होंने पहले तो उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया, पर जब उन्हें पता चला कि वो दोनों उन्हें कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार थे तो लिंग लिंग के पिता तुरंत ही उन्हें काम पर रखने के लिए मान गए। और उस रात निक और बुंकट ने पैसे कमाने के लिए उस शो में एक्टर्स के तौर पर भी काम किया। अगली सुबह जब बुंकट की आंख खुली तो उसे पता चला कि निक तो पहले ही वहां से चला गया था। उधर चर्ड और उसके आदमियों ने उसके प्लान के मुताबिक ही गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया था, और इस बार लिम यंग नाम की एक लड़की भी उसके इस हमले का शिकार बन गई। पर उस वक्त निक पास से ही गुजर रहा था और वो तुरंत ही उसकी मदद के लिए भागा। चर्ड और उसके आदमियों को एक बार फिर से हरा कर निक वहां से निकल ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अपनी जान बचाने के इनाम के तौर पर उसे एक सोने की अंगूठी और एक घोड़ा गाड़ी तोहफे में दी। थोड़ी देर बाद निक एक गांव में पहुंचा जहां उसे पता चला कि उस गांव का मार्शल आर्ट स्कूल उस एरिया का सबसे बेहतरीन स्कूल था। ये खबर मिलते ही निक तुरंत वहां के मास्टर से मिलने पहुंचा, जिसने निक की काबिलियत को देखकर उसे तुरंत ही अपना शिष्य बना लिया। और फिर मास्टर ने उसकी मुलाकात बुंकट से करवाई जो पहले ही वहां पहुंचा हुआ था। इसके बाद निक ने लगातार उस मास्टर से सीखना शुरू कर दिया, और कुछ दिनों बाद ही मास्टर निक की मेहनत और काबिलियत को समझ गया था, इसीलिए उसने निक को एक होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने को कहा। जिसके बाद निक जोरों शोरों से मुकाबले की तैयारी में लग गया क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने मास्टर की नाक नहीं कटवाना चाहता था। मुकाबले के दिन निक की मुलाकात लिंग लिंग और लिम युआंग से हुई जो उस गांव में घूमने आई हुई थी। मुकाबले से पहले सभी लोग निक और उसके मास्टर को कमजोर समझकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर लड़ाई शुरू होते ही निक ने अपनी काबिलियत से सबका मुंह बंद कर दिया और अपने मास्टर का नाम रोशन करते हुए वहां के सभी फाइटर्स को हरा दिया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद निक अपने मास्टर को अलविदा कहकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया, और इस बार उसके साथ बुंकट, लिंग लिंग और एक आदमी और जाने वाला था। जल्द ही वो लोग एक आदमी से मिले जिसे शराब पीना बहुत पसंद था, पर इसके बावजूद वो वहाँ का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था, इसीलिए उन चारों ने उस आदमी को शराब की कुछ बोतलें देकर तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद वो चारों ही तलवारबाजी में माहिर हो गए। जाने से पहले उन चारों को एक एक तलवार तोहफे में भी दी गई। इसके बाद जब वो लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे तो जंगल के बीच में चर्ड और उसके आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। भाई इस बंदर से कुछ जान से क्यों नहीं मार रही है, दिमाग खराब कर रखा है, बार बार हमला कर देता है। उनकी इस मुठभेड़ में बुंकट को गोली लग गई, जिससे गुस्सा होकर निक ने चर्ड के सभी आदमियों को मार डाला, पर चर्ड एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद निक और उसके साथ ही बुंकट को एक वैद्य के पास लेकर गए जिसमें उनकी मदद फिन नाम के एक आदमी ने की। वहां निक की मुलाकात लिम युआंग से हुई जो असल में खारू नाम के उसी फाइटर की बेटी थी जिसने एक बार निक को हराया था। इसके बाद खारू ने निक से कहा कि उसे राजा के द्वारा आयोजित किए हुए कुंफू मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो एक बार फिर से उसे हरा सके। लेकिन निक इस बार पूरी तरह से तैयार था और उसने खारू को चुनौती दी कि वो उसे जरूर हराएगा। अगले कुछ दिनों तक निक लगातार अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा, और मुकाबले वाले दिन निक और खारू ने बाकी सभी फाइटर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिसके बाद आखिरी मैच उन दोनों के बीच होने वाला था। खारू ने एक बार पहले भी निक को हराया हुआ था, इसीलिए राजा ने कहा कि मेरा सारा पैसा इस पे लगा दो खारू पे। पर इस बार निक ने अपनी नई तकनीक की मदद से खारू को जबरदस्त टक्कर दी और थोड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसे हरा ही दिया, जिसके बाद राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। पर जैसे ही वो निक को इनाम देने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक से कुछ लोगों ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। असल में इस सब के पीछे फिन का हाथ था। राजा के ऊपर हमला होते ही वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद फिन ने सभी को बताया कि असल में वही असली राजा है, और जिस आदमी ने राजा बनकर ये मुकाबला करवाया था वो तो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था लोगों को बेवकूफ बना के। इसके बाद फिन ने एक बार फिर से राजा की गद्दी वापस ले ली और निक को अपने राज में मंत्री घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद निक लिम यांग के साथ अपनी माँ से मिलने पहुंचा जो कई दिन से उसका इंतजार कर रही थी।
भाई मंत्री भी बन गया, लड़की भी पटा ली, ये होती है हैप्पी एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।